वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का जो टीम लाइनअप है आपकी स्क्रीन्स पर आएगा, हालांकि है कमजोर, ये ज्यादातर स्टॉक सब लाल में नजर आएंगे, पर कुछ ऐसे स्टॉक जो खबरों के दम पर होपिंग की लो लेवल से कुछ रिकवर करें, इवन लाल में हो तो भी। तो आपके लिए जरा स्मार्टली, अगर आपको ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो स्मार्टली कॉल लेने की जरूरत। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कोई कंसर्न इसके नंबर्स को लेकर नहीं, चौतरफा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, इसीलिए इसको इन ग्रीन रखा है। पर मार्केट दिन खराब है जब इस तरह के परफॉर्मेंस पे रिजल्ट रिएक्शन मिलेगा आपको। गोदरेज एग्रोवेट रुचि सोया इसीलिए क्योंकि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, बंद कर रहा है 28 तारीख से, और इंडोनेशिया दुनिया का 50% से ज्यादा कंट्रोल करता है उस बाजार को। तो जो कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स इस स्पेस में, जिनकी खुद की प्लांटेशंस, खुद की प्रोसेसिंग मिल्स भी हैं, उनको मेंशन कर रहा हूं। गोदरेज एग्रोवेट रुचि सोया को रखिए रडार पे। आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स क्योंकि इन्होंने पैरासिटामोल के प्रोडक्शन की शुरुआत करी, पिटा हुआ स्टॉक है। प्राज इंडस्ट्रीज क्योंकि गवर्नमेंट 6 महीने की विंडो और खोल रही है, एप्लीकेशंस इन्वाइट कर रही है नई डिस्टिलरी या करंट डिस्टिलरी में एक्सपेंशन को लेकर इथेनॉल के लिए। BPCL पता था हमको, पता नहीं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन फाइनल क्लैरिटी आ चुकी है जब अनिल अग्रवाल साहब ने, वेदांता PLC के चेयरमैन ने कहा कि BPCL का डाइवेस्टमेंट सरकार ने रद्द कर दिया है, अब वो नए प्लान के साथ वापस लौटेंगे। एशियन ग्रेटो का आज से राइट्स इश्यू खुलने जा रहा है और बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस, खैर वो रिकॉर्ड डेट 12 अप्रैल की थी, रखिए स्टॉक को लेकिन रडार पे। KBC ग्लोबल की एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है जिसमें अपने आप बिजनेस को, जो नासिक सेंट्रिक रियल एस्टेट कंपनी, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के मोड में माइनिंग के धंधे पर उतरने का मन बना रही है, रखिए रडार पे कॉशियसली। इन सब स्टॉक्स छोटे छोटे हैं, ध्यान रखिएगा। तेजस नेटवर्क के नंबर कमजोर हैं, वीक क्वार्टर परफॉर्मेंस के चलते इसको रेड पे रखा, और लाइक वाइज भंसाली को, BEPL को, BEPL को इसीलिए क्योंकि टॉप से डाउन तक हर पैमाने पर आपको नंबर्स में वीकनेस नजर आएगी, तो कुछ नंबर्स के चलते वीकनेस एक्सपेक्टेड। ओके, जो ये इंडोनेशिया वाली खबर है इसकी वजह से बहुत सारी FMCG कंपनीज को दिक्कत आएगी, जिसमें खास तौर पे जो सोप मैन्युफैक्चरर यानी साबुन बनाती हैं उनमें HUL, गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनीज अमेरिकोज में शामिल है, ब्रिटानिया में भी, चूँकि ये एडिबल ऑयल है ये बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है, तो उसका असर इसमें देखने को मिलेगा आपको। मैथन एलायंस ने भी यह सूचना दी है कि उनको प्लांट में प्रोडक्शन कट करना पड़ रहा है क्योंकि पावर सप्लाई की दिक्कत हो रही है। HDFC बैंक इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी में और ज़्यादा दबाव की गुंजाइश बनती दिख रही है, तो मुझे लगता है कि प्रेशर इस पर देखने को मिलेगा, वेटेड स्टॉक है। केवल चीनी शेयरों में अभी मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है, पॉजिटिव, यहाँ पर एक तेज़ी बन सकती है, डोमेस्टिक डिमांड रोबस्ट है तो उसका फ़ायदा उनको होगा। बजाज ऑटो और हीरो मोटो पे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, रूरल डिमांड पिकअप नहीं कर पा रही है, मुश्किल आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये असर आपको नतीजों पे आता हुआ दिखेगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ी है और लगातार दाम बढ़ाने के बावजूद उतना मैनेज हो पाएगा ये कहना मुश्किल, तो इसलिए हमको लगता है ट्रेड होना चाहिए। स्क्रीन पर आप देखे सीधा सौदा की टीम और आशीष और नीरज जी के खिलाड़ी आपने देखे भी। राजेश सतपुते जी, आप एग्जैक्टली इस टीम में से आपने जो दो प्रिफर्ड स्टॉक्स हैं वो कौन से पिक करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग का बताइएगा। वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप ओवरऑल दोनों की टीम देखें तो आशीष जी की टीम में लॉन्ग है और नीरज जी की टीम में शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स थोड़ा अवॉइड इसलिए करूंगा क्योंकि अगर बाजार नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो प्रोबेबली यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो गैप डाउन के बाद जनरली हम देखते हैं कि उछाल होगा, तो प्रोबेबली उछाल पे बेचेंगे, वो दैट्स अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑल टुगेदर। तो देखिए यहाँ पे फोकस जो होगा, क्योंकि हम लोग एक्सपायरी की तरफ भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि मिड कैप्स में जिस तरह से मूव्स मिलते हैं वो जबरदस्त आए, तो मिड कैप पे ही फोकस रखूंगा। और आशीष जी की टीम से अगर शुरुआत करूंगा तो जो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि वो है एशियन ग्रेनाइट। देखिए दो टाइप के कॉल है, एक है कॉन्ट्रा और एक है मोमेंटम। तो कॉन्ट्रा जो है वो एशियन ग्रेनाइट में बैठता है और मोमेंटम जो है वो शुगर स्टॉक्स में है। तो देखिए एशियन ग्रेनाइटो जिसका स्ट्रक्चर कॉन्ट्रा का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे RSI ओवरसोल्ड है लेकिन RSI में डाइवर्जेंस है। अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखें 120 से लेके 80 तक का एक करेक्शन, यानी वन लेग ऑफ करेक्शन सीम्स ओवर। सो जब करेक्टिव मूव ओवर होता है तो यहाँ पे आपको रिएक्शन मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से एशियन ग्रेनाइटो 82 के आसपास है, जो भी टिप मिलेगा बाय करूंगा 80 के स्टॉप लॉस के साथ, और मेरे हिसाब से इसका एक इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा 88 टू 90। तो आशीष जी की टीम में एक कॉन्ट्रा सेटअप बनता है वो एशियन ग्रेनाइटो,
और नीरज जी की टीम में जैसे मैंने कहा शुगर स्टॉक्स ओवरऑल जहां पे बज है, जहां पे मोमेंटम है, जहां पे स्ट्रेंथ है, उसी को प्ले करूंगा और वो है